बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, बतलाएंगे कि गुम लेस कैसे लगाते हैं, यानी कि बीच में थोड़ी सी किनारी उसकी नज़र आती है, बाकी लेस की सिलाई भी नज़र नहीं आती और नहीं नज़र आती कि लेस कैसे स्टिच की हुई है, और बहुत ही प्यारी और निकली पीको की तरह लगती है। तो चले, लेस को हमने ले लिया है। लेस की जो उल्टी साइड है उसको हमने ऊपर की जानब रखना है, जो सीधी साइड है नीचे रखना है। तो जो चाक हैं उनको हमने जितना हमने फोल्ड करना है उतना हमने इनको इस्त्री लगा के उनको हमने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने यानी कि चाक पे पहले लगाना सिखाएंगे, जो मुश्किल तरीका होता है चाक का। तो थोड़ा सा ऊपर यानी कि चाक जहाँ पे शुरू होता है उसे थोड़ा सा ऊपर करके हमने लेस को रखनी है, और जो हमने इस्त्री से निशान बनाया है जितने चाक हमने फोल्ड करने हैं उसके ऊपर हम रखते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हम ये रखते हुए और इस तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर रखते हुए। और सिलाई हमने बिल्कुल इसकी लेस के दरमियान में लगानी है, यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरह इसके दरमियान में लगानी है, इस जगह पे बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी, यूँ दरमियान में लगानी। जितनी आपको लेस बाहर नज़र आप चाहते हैं कि इतनी किनारी हमें इसकी नज़र आए, इतनी किनारी आपने छोड़ के उस पर लेस को ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो फिर इसके बाद आपको बताऊँगी कि ये गुम लेस कैसे होती है। तो कमीज़ की सीधी जानब सीधा कमीज़ को रख कर इसके ऊपर आपने लेस को उल्टा रख के और इस तरीके से आपने लगाना है, यानी कि उल्टी साइड पर लगाना है, सीधी नहीं। अब ये हमने एक साइड हमने कम्प्लीट सिलाई कर ली है। अब इसको कपड़े को हम यू फोल्ड करेंगे और ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो अभी हम आपको दूसरी साइड पे चाक की दूसरी साइड बताते हैं कैसे आपने स्टिच करनी है। देखें, चाक से थोड़ा सा ऊपर, ये मैं आपको सही से कपड़ा ये देखें थोड़ा सा ऊपर रख के बताती हूँ मशीन के ऊपर। अभी आपको यहाँ से सही आपको नज़र आएगा, ये देखें यहाँ से चाक से थोड़ा सा ऊपर हमने रख के इसको लगानी है। तो अब दूसरी चाक पर हमने लगानी है, तो निचली साइड से हम शुरू करेंगे। निशान हमने लगा लिया, उस निशान के ऊपर यानी कि आप पेंसिल से निशान लगाएंगे, आप इस तरीके करके उसको फोल्ड करके उसके ऊपर निशान लगाएं, उसके ऊपर रख कर हम ये स्टिच इसको कम्प्लीट कर लेंगे। उसी तरीके से हम इसको उसी दरमियान से हम इसको स्टिच करेंगे, जितनी हमें लेस बाहर नज़र आनी चाहिए हम उतना ही इसको लगाएंगे, और एक जैसी लेस सारी हमने लगानी है, एक जैसी स्टिच करनी है। तो यहाँ पर फाइनल यहाँ पे ये देखें, इसका कोना यहाँ पे बिल्कुल लेस के साथ जोड़ के आपने चाक यहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे कोना बिल्कुल जोड़ के आपने इसको ऊपर रख कर सिलाई करनी है, और आपने फालतू जो लेस है फिर वो कटिंग कर लेनी है। और अब अगेन आपने दूसरी सिलाई थोड़ा सा लगा के ताकि इसको पक्का कर लेना है इस तरीके से, और फिर आपने यहाँ से मशीन लगा के इसको आपने कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से मैंने धागा कटिंग कर लिया है, यहाँ से लेस को एक्स्ट्रा लेस को मैंने कटिंग कर लिया है इस तरीके से। अब धागा भी कटिंग कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट अभी क्या करना है। तो यहाँ पे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले बआसानी पहुँच रहा। अब हमने इस कपड़े को उल्टा जाने फोल्ड कर दिया है। ये देखें, लैस आपको इस तरीके से नज़र आएगी कुछ, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इस तरीके से किनारी आपको नज़र आएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लेस को गुम लेस कैसे करना है। फिर हमने इसको लेस को जहाँ पे हमने स्टिच किया था उसी तरीके से कमीज़ को सीधा रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लेस के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस लेस के ऊपर हमने इसको रख के फोल्ड करके सिलाई लगाना, और सिलाई हमने वहाँ पर लगाना है जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी, फोल्डिंग हमारी वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे हमने सिलाई पहले लगाई थी उसके ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। हमारा कपड़ा इतना फोल्ड होना चाहिए कि उस सिलाई के ऊपर ही हमारा कपड़ा है, और हम अगेन उसके ऊपर हमने स्टिच कर लेना। आप चाहें तो लेस और ये फोल्डिंग कपड़ा आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से सफाई नहीं आती। तो चलिए, इसको कम्प्लीट स्टिच करके आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे फाइनली जो चाक्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये किसी से सफाई से नहीं आता, यहाँ पे आपने यहाँ थोड़ा सा ऊपर ला के जहाँ तक आपने लेस छोड़ी थी वहाँ तक आके आपने इसको डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेना है। ये देखें, अब दूसरी सिलाई भी आपने इस तरह लगा लेनी है। ये देखें, अब हम सीधा करेंगे इसको तो इसकी लुकिंग कुछ अलग सी होगी। ये देखें,
ये देखिए अब लेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि कहाँ से स्टिच हुई है, कैसे स्टिच हुई, गुम सिलाई। यहाँ पे आप तुरपाई करें, चाहे कच्ची सिलाई जिसको कहते हैं, कच्चा टांका, चाहे आप इसको सिलाई लगा लें। तो मैं कच्चा टांका करूँगी, तो आप जो है जो मर्ज़ी करें। तो मैं यहाँ पे दूसरी चाक पे भी इसी तरह इसको स्टिच कर लेती हूँ। इसी तरह कमीज को सीधा रखते हुए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। लेस को ऊपर रख कर हमने सिलाई लगा ली है, ये दोनों साइड से सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है, ये देखें। सीधा करने के बाद यहाँ पे मैं अब कच्चा टांका यानी कि तुरपाई जिसको कहा जाता है, इसको मैं कर लूँगी। और यहाँ पे इस्तरी करके इसको मैंने यहाँ पे, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ये लेस। ये था जी घूम लेस लगाने का तरीका। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपका टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़।